दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भारतीय विश्व कप टीम जीते तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत को मिली हार तो फूट फूट कर रोया पाकिस्तान, लेकिन भारतीय टीम की बढ़ गई है चिंता। अफ्रीका की जीत से पॉइंट्स टेबल में आया भूचाल। क्या भारतीय टीम का सेमीफाइनल खेलने का टूट सकता है सपना? क्या है पूरा समीकरण? कौन हुआ है सेमीफाइनल की रेस से बाहर? ये सब कुछ आपको हमारी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में से कौन T20 विश्व कप में शतक लगाएगा? हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, दो जानी दुश्मन देश एकजुट होकर भारतीय टीम की जीत की कामना कर रहे थे, लेकिन किस्मत ने कुछ इस कदर करवट ली कि साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को आखिरी ओवर में शिकस्त दे दी। आज ग्रुप टू यानी कि भारत और पाकिस्तान के ग्रुप में तीन सुपर मुकाबले खेले गए, जहां पहले मैच में आखिरी गेंद पर हुई नो बॉल की कॉन्ट्रोवर्सी के बाद बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को आखिरकार हरा दिया। तो अगले मैच में पाकिस्तान ने बड़ी ही आसानी से जीत दर्ज की, अपनी पहली जीत। और सांसें रोक देने वाले आखिरी मैच में जहां हर किसी को भारतीय टीम की जीत पक्की लग रही थी, तो वहां साउथ अफ्रीका ने उन मैच को अपने नाम कर पाकिस्तान को सेमीफाइनल की रेस से लगभग बाहर कर दिया है। लेकिन इस दिल तोड़ देने वाली हार के बाद अब भारतीय टीम यहां से कैसे सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचेगी, ये सब बड़ा सवाल है। दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जीत के बाद भारत की हार से पॉइंट टेबल में बवाल मच गया है। वर्ल्ड कप में मिली हार के बाद भारत दूसरे पायदान पर पहुंच गई, वहीं अफ्रीका ने टॉप पायदान पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ उनका नेट रन रेट भी सबसे ज्यादा मजबूत हो गया। बांग्लादेश दूसरे पायदान पर, तो वहीं जिम्बाब्वे चौथे, पाकिस्तान पांचवे और नीदरलैंड आखिरी पायदान पर है। ग्रुप दो में पॉइंट्स टेबल में बड़ी हलचल है। पाकिस्तान की टीम अब लगभग वर्ल्ड कप से बाहर है, क्योंकि अगर वो अपने अगले मुकाबले में अफ्रीका और बांग्लादेश को हरा भी देती है तो भी वो सेमीफाइनल तक शायद ही पहुंचे, क्योंकि साउथ अफ्रीका अपना आखिरी मुकाबला नीदरलैंड से खेलेगी और उसमें जीत हासिल करके आसानी से सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लेगी। दोस्तों, बात करें भारतीय टीम की, तो भारतीय टीम के अभी तक तीन मैचों में चार अंक हैं और उन्हें अपने अगले दो मुकाबले जिम्बाब्वे और बांग्लादेश जैसी टीमों से खेलने हैं, जिनमें पलटवार होने के मौके ना के बराबर हैं। ऐसे में भारतीय टीम ये दोनों मैच बड़ी आसानी से और बड़े अंतर से जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी और इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन यदि भारतीय टीम जरा सा लड़खड़ाई तो पाकिस्तान भूखे शेर की तरह हमें पछाड़कर सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए घात लगाए बैठी है। ऐसे में हमें ये दोनों मैच जीतना बहुत अहम है, जिसके बाद भारतीय टीम ग्रुप वन की सेमीफाइनल में पहुंचने वाली किसी भी टीम से अपना मैच जीतकर फाइनल में सीधे एंट्री ले सकती है, जहां इसकी सबसे मजबूत दावेदार न्यूजीलैंड है। इसके अलावा दूसरी टीम के बारे में कुछ भी कह पाना अभी नामुमकिन है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम सेमीफाइनल के बाद फाइनल में अपना स्थान पक्का कर पाएगी या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।